मेरा ग्रुप है मैं इमरान खान खुद कहती हूँ कि आके फौरन इस चीज का एक्शन ले और इस जालम को पूछे कि हमारे ऊपर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं। हमें हमारे घर खाने नहीं पक रहे, हमारे घर पानी ठंडे नहीं है पीने के लिए। भाजी सारा मास्टर सिटी भी आपके साथ खड़ा है, पूरा गुजरांवाला भी आपके परेशान है। हम लोग इतने परेशान है, ध्यान रखो दसो मावा भैन अपनी इस्तां लै के छोटिया छोटिया बच्चिया लै के कितने जान। जेड़ा बंदा अगे लगन की कोशिश करता है ओनू धमकियां लाता है। मैं आज मौजूद हूँ गुजरांवाला मास्टर हाउसिंग सोसायटी में। मेरे पीछे वो मुतासरीन मौजूद है जिनको गुज़श्ता 10 दिनों से एक बुनियादी सहूलत से महरूम रखा जा रहा है, जिसकी जिम्मेदार ना सिर्फ इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया और मालकान है बल्कि वो सरकारी अदारे भी हैं जो ऐसी सोसाइटीज को एनओसी जारी करते हैं। ये अपने हक के लिए जब अपने इंतजामी दफ्तर की तरफ इन्होंने रुख किया एक पूरा मन एहतजाज के लिए, जिसको एक सोची समझी प्लानिंग के मुताबिक तोड़फोड़ की तरह मुंतकिल किया गया और बाद में बात यहां तक खत्म नहीं हुई जब इनके दरमियान रहायशियों के दरमियान और मालकान के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसमें ना सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी के मालकान मौजूद थे बल्कि आला अफसरान भी मौजूद थे। जिस मुआहदे की रूह से हाउसिंग सोसाइटी मालकान ने इन रहायशियों को बिजली फराहम करने की यकीन दहानी करवाई और इतना ही नहीं बल्तकामी कार्रवाई ना करने का भी वादा किया, लेकिन रातों रात ना जाने ऐसा कौन सा कायदे आज़म का हुक्म चलाया गया है कि अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे इन पर एक FIR पहुंच कर दी गई। और मेरे पीछे तमाम वो शख्स मौजूद हैं जिनके FIR में नाम तो है लेकिन ये किसी किस्म के एहतजाज में शरीक ना थे, किसी किस्म की तोड़फोड़ में शरीक ना थे। इनका असल मसला क्या है इन्हीं से जानते हैं। ये आप बताएं जरा क्या वकुआ हुआ जो वीडियोस वायरल हैं आजकल सोशल मीडिया पे, जरा बताएं लोगों। असल में ये था कि हम यानी कि 4 दिन से दिन रात से यानी कि मसला तो 4 साल से आ रहा है। मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए 1 साल हो गया और 1 साल से इतनी तंगी है कि अब हम जेनी तौर पे जो उनसे ना अपसेट हो गए हैं, जेनी मरीज हो गया। अब मुसलसल ईद से पहले का ये मसला चल रहा है और अब मुसलसल 4 दिन दिन रात इन्होंने लाइट इतनी बंद की है। मैं डायबिटीज़ की मरीज़ हूँ, हार्ट का मुझे मसला है, मेरे मियाँ ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। अब मुझे आप बता, हम 3 से 4 औरतें गई हैं, सिर्फ इसलिए गई हैं, घर से निकले हैं कि हम इनके ऑफिस जाके इनसे पूछें कि आखिर क्या हमारा कसूर है कि हम लोग अपने यानी कि घरों महलों को छोड़ के अपनी पेंशनों का पैसा ले के सब कुछ बेच बाच के आपकी सोसाइटी में सुकून लेने के यहाँ लिए आए हैं। अब बताएं मेरी छोटी सी बच्ची 3 साल की बच्ची है, उसको मैंने अहमद को भी ये बात बताई है। मैंने कहा वो 4 बजे मुझे कह रही है मम्मा मुझे नहला दें, मुझे गर्मी लग रही, मेरा जिस्म ठंडा हो जाएगा। और इन जालमों को कोई समझ नहीं आ रही। और मैं इमरान खान से अपील करती हूँ कि हमारी इस जालम से जान छुड़वाए। हम लोगों का क्या कसूर है कि एक हम लोग दिन रात तकलीफ में, दूसरे इसने हम लोगों के ऊपर हमारे खानदानों के ऊपर इस बंदे ने पर्चे दे दिए, आके आप इस चीज का नोटिस ले, हमने आपको वोट दिया है, आप मदीना की रियासत बनाना चाह रहे हैं, आप देखें कि हम मजलूम लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये आदमी हमारे साथ जुल्म कर, एक तो हमारे साथ जुल्म कर रहा है, ऊपर हमारे ऊपर पर्चे दे रहा है, हम किसको जाके सुनाएं। इसलिए मैं इमरान खान खुद कहती हूँ कि आके फौरन इस चीज का एक्शन ले और इस जालम को पूछे कि हमारे ऊपर ये जुल्म क्यों कर रहा है। ये हमारे भाई हमारे बाप सारे खड़े, इनका क्या कसूर है कि हम लाइट मांग रहे हैं, हम 25 रुपए यूनिट देते हैं और इस बंदे ने 4,500 रुपया आज इसने गैस का बिल मेरे घर भेजा है।
मुझे बताया चार रोटियां पकती है, चार रोटियां पकाने से 4,500 रुपए बिल आता है। इतना पैसा लेने के बावजूद ये बंदा हमारे ऊपर पर्चे दे रहा है। सारा मास्टर सिटी भी आपके साथ खड़ा है, पूरा गुजरांवाला भी आपके साथ परेशान है। हम लोग इतने परेशान है कि हम ज़हनी तौर पे ज़हनी मरीज हो गए। मुसलसल हम रातों को बैठे हुए, हमारे घर खाने नहीं पक रहे, हमारे घर पानी ठंडे नहीं है पीने के लिए। हमें बताइए हमारा क्या कसूर है। इमरान खान, मैं आपसे कहती हूँ, आप मेरे भाई हैं, आप हमारी मदद करें, हम सबकी मदद करें, हम सब बहुत परेशान हैं। क्या नाम है जी आपका? परवेज भट्ट। भट्ट साहब, ये बताएं कि असल मसला क्या है मास्टर सिटी में? असल मसला ये है, आपने कसरे नफसी से काम लिया है। ये 4 साल से हम बिजली की वजह से परेशान है। अच्छा, लेकिन ये इसके वादों के मुताबिक हम इसका बार बार वार्न कर रहे थे कि लोग किसी वक्त भी मुश्तिल होके तुम्हारे साथ कोई भी अगर मिस भी है वो तो उसके हम जिम्मेदार ना होंगे। मतलब भट्ट साहब गुज़श्ता 4 सालों से अब ये अजाब सह रहे हैं? बेशक 4 साल से ये अजाब सह रहे हैं। इसने इसी तरह हमें रोज नया लॉलीपॉप दे देता है कि जनाब कल आ रही है, परसों आ रही है। जनरेटर कौन है, कौन जो आपको लॉलीपॉप देता है? शेख मकसूद साहब। शेख मकसूद साहब है। अच्छा, अहमद तो उसका बेटा है, अहमद साथ उसने रखा हुआ है। अच्छा भट्ट साहब, थोड़ा ना जरा वादिया करके बताएं ताकि लोगों को भी पता चले और इंतजामियों को भी। यहाँ जो बिजली फराहम की जाती थी जी, वो कौन सी बिजली है? वाबडा की बिजली है? जनरेटर्स की। अच्छा, ये कितने रुपए का यूनिट आपको देते हैं? ये हमें 25 रुपए का यूनिट दे रहे हैं। अच्छा, तो आप समझ लेंगे वाबडा यहाँ बिजली दे नहीं रहा या ये ले नहीं रहे वाबडा से? ये वाबडा की और शेख साहब की दोनों का आपस का क्या टसल है, इन दोनों की वजह से हम तो परेशान है। इंशाल्लाह हान साहब भी सुनेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे कमिश्नर साहब का कुत्ता मिल गया तो इंतजामिया इस तरफ भी तवज्जो देगी। ये भी मसाइल हैं लोगों के। डीएसपी साहब, डीआईजी साहब, सब आई, इन्होंने कहा कि अब आपकी लाइट बंद नहीं होगी और हमारी लाइट सुबह से रात से लाइट बंद है। उन्होंने बजाय इस चीज को खत्म करने के उन्होंने हमें और अजियत दी है कि आप लोगों ने ऐसे धरना दिया, हम आपको मजीद तकलीफ देंगे। आपका नाम पर्चे में है जी? हाँ जी, मेरा नाम, मतलब आप से ऐसे लग नहीं रहे कि आप गाड़ी के ऊपर चढ़े होंगे, कोई तोड़फोड़ की होगी आपने? मैं घर ही था। अच्छा, मैं तो गया भी नहीं। आप थे भी नहीं वहाँ पे? नहीं। तो आपका नाम पर्चे उसके पास वीडियो है, सारी देख ले, चेक कर ले, मेरा है मुझे कहीं। अच्छा, कहीं आप वहाँ मौजूद भी है ही नहीं? वो इसलिए लालच कर रहा है कि वो हमसे 1,60,000 के 85,000 रुपया वो कहता है बिजली मुझे दे बाफ्टा, मैं इनको दूंगा 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया में मीटर का वसूल करूँ। मगर ये किस्म का फ्रॉड भी किया जा रहा है। ये सुबह 6 बजे अब ये सारे खड़े हैं दोस्त अहबाब, अब आप चाहते क्या हैं सर? अब आपकी मतलब इंशाल्लाह सारे आवाज भी सुनेंगे, मतलब सारे बताएं आप क्या आप चाह रहे हैं? लाइट जा रहे भाई और क्या। अही चाहने हैं कि अही 1 साल तो इतने रहशी हाँ, सानू कोई किसी किस्म की ओद कोई इख्तलाफ नहीं, कोई ओरी सिक्योरिटी वालों भी अही नहीं परेशान। सानू लाइट चाहिए, लाइट इतने बिल्कुल नहीं, 4-5 दिन तो बिल्कुल लाइट आई नहीं। लोगों के छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए ने, हस्पतालों लोग 2,000 रुपया बच्चों फीसा देने जोगे है ने, लोगों फ्रिजा सड़ गई ने, लोगों के एसी सड़ गए ने, लोगों का 1,00,000 रुपये का 1,300 रहायश है। जिस बंद जाके मर्जी पुछो, जेड़ा बंदा अगे लगता है मामे पाशे वर्गा बंदा, असी वो नाल टुरने वे तुन के परचा देंगे ने, उन्होंने आंदे ने तुनू धमकियां लाते ने कि तेनू अही अंदर बंद कर देंगे। वेखो साडियां मावां भैणां इत्थे रहायशां बना के सड़कां दे उत्ते रुलदियां ने पईयां, उत्थे जिहड़े स्टाम लिखे गए ने, अफसरान उत्थे मौजूद सन, उन्हां दी मौजूदगी च उह स्टाम लिखिया गया। उस टाइम के उत्ते फिर वो नहीं रहा, दूजे दिन उन्हें फिर विचों चौंदा ऐसे बंदे लैने जिन्हें उन्हें फिर परचे करा दिते। जी तो आरपीओ साहब जरा यहाँ पर भी गौर करें, आपके अफसरान की मौजूदगी में एक वादा तय पाता है, उसके बाद इंतकामी कार्रवाई करते हुए अल्लाह जानता है कि आपके हुक्म से FIR हुई है या किसके हुक्म से हुई है। तो सर यहाँ भी और कमिश्नर साहब भी, अगर आपका कुत्ता मिल गया हो तो ये भी लोग हैं, यहाँ पे रहायशी हैं, इंसान हैं बसने वाले, आप भी जरा गौर करें। और यहाँ पे भट्ट साहब आपका भी सर है पर्चे में नाम? मेरा भी FIR में नाम है, फैसल नाम है मेरा, मैं यहाँ पे रहायशी हूँ 4 साल से, और ये मसाइल सारे 4 साल से ही चल रहे हैं। 4 साल से हम शेख साहब के साथ मुआहदे वईद वादे वईद सब कुछ चल रहा है इनके साथ, लेकिन एक दफ़ा भी इन्होंने अपना कोई भी वादा अभी तक कंप्लीट नहीं किया। और ये शेख साहब ने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी रियासत बना ली हुई है जिसका खुद को ये बादशाह समझते हैं और अपना आर्डर जारी करते हैं, लेबर की तरह उनको डील करते हैं रेजिडेंट्स को कि जैसे हम इनके पास तनख्वाह पे काम करते हैं या किराए पे। ये शेख मकसूद साहब और शेख अहमद साहब दोनों का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बाप बेटा जो है अहमद मकसूद और शेख अहमद बिन मकसूद जो है शेख मकसूद साहब, ये बिल्कुल गुंडागर्दी कर रहे हैं। समझते हैं ये वाम इतनी कमज़ोर है कि हम इनके खिलाफ FIR काट कर इनको हरासा करेंगे, इनको शर्म आनी चाहिए। ये लोगों के जिस तरह इन्होंने पैसे का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। मामा पाशा और फैसल भाई के साथ हम हमावत खड़े हैं विद फैमिली, हम सारे टाउन की औरतें मर्दें इकट्ठे करके हम इनके पास चले जाएंगे।